हेलो एवीज, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 24th ऑफ नवंबर से लेके 30th ऑफ नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर एवीज। Two of Swords, Strength, the Devil, Six of Cups, Ace of Wands. Okay, so हमारे पास है the Devil का कार्ड। शायद इस वीक में आप जिस पर्सन को अपना लवर समझ रहे हैं वो आपको थोड़ा सा बदला बदला सा नज़र आ सकता है, बिकॉज ये पर्सन अभी भी उस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पा रहा जहाँ पे आप दोनों का रिलेशनशिप स्टक है या रुक गया है। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रही हूँ मैं। सो एरीज, हो सकता है ये एक नया रिलेशनशिप हो और आप दोनों ऑलरेडी बहुत क्लोज आ चुके हैं, एक अच्छी फ्रेंडशिप है, एक अच्छा कनेक्शन है, बट ये पर्सन आगे बढ़ने को तैयार नहीं या बहुत हेजिटेट कर रहा है। इनके मन के अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ है जिसको आप नहीं निकाल सकते एंड उससे इस पर्सन को खुद ही डील करना होगा, क्योंकि यहाँ द डेविल का कार्ड है। हो सकता है ये पर्सन दूसरों की एडवाइसेस, दूसरों की बातें और दूसरों के एक्सपीरियंसेस को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहा है। ओके, लाइक अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है लव में या रिलेशनशिप में तो उनको भी वही मिलने वाला है एवी से। कुछ अलग होगा नहीं, उनकी लव लाइफ दूसरों से बेटर होगी नहीं। हमेशा लोग अकेले ही रह जाते हैं रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के बाद। इस तरह की चीज़ें इनके दिमाग में हो सकती हैं जो कि इस पर्सन को आगे बढ़ने से रोक रही है। एंड एवीज, अगर आप चाहेंगे कि ये पर्सन आगे बढ़े तो शायद आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हैं इस वीक में, बिकॉज ये पर्सन अभी भी कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्टबर्न है। ओके, नाउ मे बी हो सकता है इस पर्सन को आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन हो एंड ये वो ओपनली कह नहीं पा रहे, या इन्होंने कह दिया है एंड आप उस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकते, या यू नो आपको वो सही नहीं लगता। तो ये बात इस पर्सन को अच्छी नहीं लग रही, उन्हें लग रहा है कि एक अच्छी रिलेशनशिप में तो उनके पार्टनर को उनकी बातें बिना कहे ही समझ जाना चाहिए, और अगर उन्होंने कह दिया है तो बिना इफ एंड बट्स के वो चीज़ फॉलो हो जानी चाहिए। सो इस पर्सन का रिलेशनशिप का आइडिया बहुत डिस्टॉर्टेड है और बहुत टॉक्सिक भी है, और इसी वजह से ये पर्सन इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहा और एक जगह स्टक है, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है एवीज आपके लिए, बिकॉज आपके अंदर वैसे ही पेशेंस थोड़ा कम होता है, और ऊपर से इस सिचुएशन में तो आपका कंप्लेन करना गलत भी नहीं है, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा धैर्य रखा है स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ। आपने इस पर्सन को बहुत सारे मौके दिए हैं और आप यहाँ पे स्ट्रांग रहे हैं, चाहे जितने भी चैलेंजेस आए आपने उन्हें पेशेंटली हैंडल किया है। सो अब आपको लगेगा कि ये पर्सन शायद आपके एफर्ट्स के लायक नहीं है, और आप चाहे खुद को कितना भी एक्सप्लेन कर लें ये पर्सन आपकी बात कभी समझ नहीं पाएगा। और एस ऑफ वांड्स के साथ एरीज, ये पर्सन जानता है कि आप उनसे कहीं बेहतर, उन्हें पता है कि आप उन्हें नसीब से ही मिले हैं और इतना आसान नहीं होता एक ऐसा लवर ढूंढना। सो ये पर्सन जानता है कि चीज़ें क्या हैं और क्यों इस तरीके से ये रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। वो जानते हैं कि आप में कहीं से भी कमी नहीं है, वो जानते हैं कि ये उनका पर्सपेक्टिव है या उनकी सोच है, जो भी इस रिलेशनशिप में वो फील कर रहे हैं उन्होंने इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया है या ये उनके रूल्स हैं, इसमें आपका कुछ लेना देना नहीं। दूसरी तरफ सिक्स ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपके बारे में सोचना बंद भी नहीं कर पा रहा। ये पर्सन वैसे चाहता नहीं है कि वो आपके बारे में ज़्यादा सोचे, ये पर्सन वो है जो खुद को कंट्रोल करना चाहता है। ओके, उन्हें लगता है कि एक बार कोई किसी रिलेशनशिप में आ जाए तो फिर उसके बाद रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज फीलिंग्स कनेक्ट हो जाती है और उसके बाद
चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, मूव ऑन करना मुश्किल हो जाता है। हर रिलेशनशिप के साथ आपका एक पीस आपसे अलग हो जाता है। सो ये पर्सन अपने इमोशंस से बहुत डरता है बिकॉज उनके इमोशंस बहुत स्ट्रांग हैं। तो ये पर्सन एक तरीके से अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर रहा है, चाहता है कि वो और ज़्यादा स्ट्रांग ना हो। बट एट द सेम टाइम सिक्स ऑफ कप्स के साथ ये क्लियर है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा, पुरानी बातें इन्हें याद आ रही है और ये अपने मन को आपसे अलग नहीं कर पा रहे। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए एरीज। द एम्परर, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। ओके, सो द एम्परर है एरीज। यहाँ पे ये पर्सन जानता है कि आप कितने स्ट्रांग हो सकते हैं। ओके, ये पर्सन एक तरीके से एक रिस्क ही ले रहा है। मतलब यहाँ पे आप देखिए टू ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को एक जगह रोक के रख दिया है, कोई क्लैरिटी नहीं है इसमें। हो सकता है ये पर्सन क्लियरली आपसे कुछ भी ना कह रहा हो और ये चीज़ आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करेगी। ये पर्सन ना आपसे यस कहेगा ना आपसे नो कहेगा और आप परेशान हो जाएंगे इनके अप्रोच से। और ये पर्सन जानता है एरीज की इस तरीके का बिहेवियर आप ज़्यादा दिन तक टॉलरेट नहीं करेंगे बिकॉज इन द एंड आप द एम्परर हैं और आपके लिए आपका सेल्फ एस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर द एम्परर अपने इस थ्रोन से, इस सिंहासन से उठ के भागना भी चाहे ना, तो उनका सेल्फ एस्टीम उन्हें यहाँ पकड़ लेगा। सो एरीज, इस पर्सन को पता है कि आप अपनी जगह पे ही रहेंगे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे ही रहेंगे और अगर आपके इमोशंस इतने स्ट्रांग है भी कि वो आपको पुश करें उनकी तरफ, तो भी आपका सेल्फ एस्टीम आपको रोकेगा। आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आप खुद के सामने शर्मिंदा हो या आप अपनी वैल्यू को कम कर दें। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ एवीज, ये पर्सन जानता है कि आप एक बहुत अच्छे फाइटर हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप हर हालात में जीत सकते हैं। और इस पर्सन को लग रहा है कि वो वाकई में एक बहुत रिस्की डिसीजन ले रहे हैं एंड शायद फाइव ऑफ कप्स के साथ इन्हें ऑलरेडी थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा है। ओके, एक तरफ तो ये रिस्क ले रहे हैं इस तरीके से आपको ट्रीट करने का, दूसरी तरफ से दिन रात सोचते भी रहते हैं कि क्या ये सही है, कहीं वो आपको गवाह तो नहीं देखें। इन्हें पता है कि इनका तरीका सही नहीं है और इस चीज़ को लेके ये ऑलरेडी थोड़ा सा रिग्रेट करना शुरू कर चुके हैं एरीज। दूसरी तरफ हमारे पास एस ऑफ सोल्ड्स भी है, तो एस ऑफ सोल्ड्स के साथ ये पर्सन बिल्कुल साइलेंट भी हो सकता है। इस वीक में ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन एकदम से चुप हो जाए एंड आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि हुआ क्या है और क्यों वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। सो द हाई प्रिंसेस आपसे कह रही है कि अब वक्त है अपने इंट्यूशन पे ध्यान देने का। इन सब का रीज़न शायद आपको ऑलरेडी पता है एरीज, एंड आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे और इसीलिए आप इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं। सो अपने मन की सुनिए आप इसे, और अब इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है और अपने फैसले बोल्ड होके लीजिए बिकॉज आप वो चीज़ें लूज नहीं कर सकते जो आपके लिए है। ओके, हमेशा इस बात को ध्यान में रखें। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट वीवर, स्पिरिट वीवर का मतलब है कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपको एक तरीके से क्रिएट कर रहा है, बहुत सारे लेसन सिखाने के लिए हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज करवाने के लिए हो रहा है और इस पर्सन के साथ भी वही है। सो आप एक कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिन जिनको आपको कई लेसन देने हैं और जिनसे आपको कई लेसन सीखने हैं। सो आपकी स्पिरिट स्ट्रांग हो रही है और आप इवॉल्व कर रहे हैं स्पिरिचुअली, आप बेहतर अट्रैक्ट कर पाएंगे, बट उससे पहले ज़रूरी है कि आप नेगेटिविटी को गुड बाय कहें। ओके, सो ये है रीडिंग
इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।